हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, यानी बेसिक इंग्लिश क्या होता है उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहला हमारा उसमें आ जाएगा जो पहला टॉपिक है वो है अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। इसको आप हिंदी में कहिएगा वर्णमाला, इसका हिंदी हो जाएगा वर्णमाला। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि अल्फाबेट होता क्या है। अल्फाबेट जो है इसे हम छोटे छोटे अक्षर जैसे कि ए बी सी डी जो होता है उसी को हम अल्फाबेट कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन लिखिएगा तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये हो गया अल्फाबेट का डिफिनेशन। इसमें क्या होता है अल्फाबेट में कि वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। अगर बात की जाए अल्फाबेट की, अल्फाबेट जो है टोटल अल्फाबेट्स की संख्या हो जाएगी 26। अल्फाबेट्स की संख्या बराबर 26, टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं जिसमें कि ए बी सी डी ई एफ जी जो हम पढ़ते हैं वही सब, टोटल 26 अल्फाबेट। और इसमें भी हम एक और चीज जानेंगे, लेटर, यानी लेटर जो है लेटर यानी अल्फाबेट्स के अंतर्गत लेटर होता है जो कि एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर होता है। यानी अगर बात की जाए लेटर की प्रकार के बारे में, लेटर के प्रकार आप इसे इंग्लिश में, ये हो गया लेटर के प्रकार, तो आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हम समझ गए कि अल्फाबेट, इसको हिंदी वर्णमाला कहेंगे और इसका डिफिनेशन हो जाएगा वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट जो है वो हो जाएगा 26, यानी अल्फाबेट की संख्या टोटल 26 है। और लेटर के प्रकार यानी लेटर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे। लेटर दो प्रकार के होते हैं जिसमें इसकी पहला हो जाएगा स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, और दूसरा हो जाएगा कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर को हम हिंदी में कहेंगे छोटा अक्षर, और कैपिटल का मतलब हो जाएगा बड़ा, यहां लिखेंगे बड़ा अक्षर इस तरह से। अब तो हम ये समझेंगे कि लेटर के बारे में और अल्फाबेट के बारे में। अब हम समझेंगे वोवेल के बारे में, आखिर वोवेल क्या होता है। वोवेल्स को हम हिंदी में कहेंगे स्वर। अब इसका डिफिनेशन हम जान लेते हैं, वोवेल का हिंदी क्या हो जाएगा। वोवेल का हिंदी बोले स्वर, यानी वोवेल हम अगर हिंदी में बात की जाए स्वर का डिफिनेशन, जिसमें हम बताएंगे जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता लिए बिना स्वयं से बोले जाते हैं। यानी स्वर जो है किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं बल्कि स्वयं से बोले जाते हैं। अगर बात की जाए वोवेल्स की, इसमें हम बोलेंगे ए ई आई ओ और यू को वोवेल्स कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। ये तो हम समझ गए वोवेल किसे कहते हैं, ए ई आई ओ और यू को वोवेल कहते हैं, ठीक। तो हम समझेंगे वोवेल में टोटल वोवेल की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे वोवेल्स की संख्या, तो टोटल वोवेल हो जाएगा 5 को। अब हम जानेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में, कॉन्सोनेंट्स। इसको हम कहेंगे व्यंजन, इसको आप व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं। इसे हम जानेंगे कॉन्सोनेंट्स में ए ई आई ओ यू, इसको छोड़कर बाकी जितना लेटर बाकी बचेगा उसी को हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। इसमें हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे ए ई आई ओ और यू को छोड़कर, यू को छोड़कर बाकी लेटर, बाकी लेटर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ये तो हम समझ गए कि कॉन्सोनेंट में क्या बोले कि ए ई आई ओ यू, मतलब ए ई आई ओ और यू को छोड़कर जितना भी लेटर बचेगा उसी को हम कहेंगे कॉन्सोनेंट। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप समझना चाहेंगे तो ए को छोड़ दिए तो बी आया, सी आया, डी आया, ई को फिर छोड़ देंगे तो एफ, इस तरह से डॉट डॉट ईटीसी। इसमें इस 5 को लेटर को छोड़ के जितना बाकी बचेगा वो हो जाएगा। अब अगर बात की जाए कॉन्सोनेंट की संख्या, कॉन्सोनेंट्स की संख्या, तो बात की जाए 26 अल्फाबेट है और उसमें से हम अगर 5 हटा दे तो उसमें से बच जाएगा 21, यही हो जाएगा आंसर। यानी कॉन्सोनेंट की संख्या हो जाएगी 21। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो अंतिम और आखिरी एक है सेमी वोवेल, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सेमी वोवेल के लिए जानने के लिए एक मिनट।
बाद हम सेमी कॉमा के बारे में बताते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेमी वोवेल के बारे में, सेमी वोवेल्स। इसको आप हिंदी में कहिएगा अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। सेमी वोवेल को हिंदी में हम कहेंगे अर्ध स्वर। इसमें सिंपल है कि W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। इसका अगर बात की जाए तो बोलिएगा W और Y को सेमी वोवेल्स कहते हैं। ये हो गया W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। अगर पूछा जाए सेमी वोवेल की कितनी संख्या होती है, सेमी वोवेल्स की संख्या होती है हो जाएगी 2।